हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एयरलाइंस का जो डिटेल वीडियो बना रहे हैं कंटिन्यूअसली, आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ के बात करेंगे स्पाइस जेट की, जो कि इंडिगो के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कैरिंग आउट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नंबर ऑफ पैसेंजर्स को ले जाने में। यह इंडिगो के बाद दूसरा एयरलाइन है जिसके पास इंडियन मार्केट का 13.6% स्टेक है, यानी लगभग 13.6% जो पैसेंजर्स हैं वो स्पाइस जेट से फ्लाई करते हैं। अब बात आती है इस एयरलाइन की खासियत क्या है, तो ये भी इंडिगो की तरह एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, मतलब कि ये भी पैसेंजर्स के सुविधाओं का नहीं बल्कि सस्ते टिकट्स का ध्यान रखती है। लेकिन इनका एक प्रोग्राम है स्पाइस मैक्स, उसके तहत इन्होंने कुछ एयरक्राफ्टों में बिजनेस क्लास की सीटें अवेलेबल करवाना अब स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा इनकी दो और सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरीज का मतलब होता है इन्हीं के पार्ट हैं वो, बट उनका नाम डिफरेंट इन्होंने दे दिया है। जैसे आपने एयर इंडिया के बारे में सुना होगा, एयरलाइंस एयर एंड ऑल दिस, इसी तरह से स्पाइस जेट की भी दो पार्ट और हैं। पहला है स्पाइस एक्सप्रेस, जो कि कार्गो को ले जाने का काम करता है। कार्गो का मतलब पैसेंजर्स यानी आदमी को ना ले जा करके जब सामान की डिलीवरी की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको कार्गो बोलते हैं। तो स्पाइस एक्सप्रेस जो इसकी दूसरा पार्ट है वो कार्गो की सप्लाई करता है। और जो तीसरा इनका पार्ट है वो है स्पेस शटल। स्पेस शटल आपने जरूर सुना होगा, अभी हाल ही में मोदी जी ने लॉन्च किया है। ये सी प्लेन है, यानी पानी से टेक ऑफ करता है और पानी में उतरता है। इसको गुजरात में स्टार्ट किया गया, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, लगभग एक साल पहले स्टार्ट किया गया, ठीक है। और स्पाइस जेट पहले ही ऐसी कंपनी है जिसने सी प्लेन लॉन्च किया है इंडिया में, ठीक है। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, अपना हरियाणा में, इंडिया के अंदर। इसके 630 फ्लाइट जो हैं डेली होते हैं, यानी डेली 630 फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह स्पाइस जेट के जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सारे फ्लाइट 64 डेस्टिनेशन यानी 64 डेस्टिनेशन तक जाते हैं। और उसमें भी खुशी की बात ये है कि 15 जो हैं वो इंटरनेशनल हैं और 54 जो हैं वो इंडियन डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर स्पाइस जेट अपने सर्विसेज देता है। बात करते हैं इनके रेवेन्यूज की, कि इनका टर्नओवर कितना है साल का, तो इनका टर्नओवर है 13,000 करोड़ रुपए का। एक साल का जो टर्नओवर है इनके सारे पार्ट्स को मिला करके, आप ये मत सोचेगा मैं सिर्फ पैसेंजर की बात कर रहा हूँ, ये कार्गो और सी प्लेन मिला करके जो इनका टोटल टर्नओवर है वो 13,000 करोड़ रुपए का है। और अब बात आती है मुद्दे की, कि इसमें कितने इम्प्लॉयज़ हैं, यानी कितने लोग को इसने इम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो लगभग 12,000 ऐसे लोग हैं जो स्पाइस जेट में इम्प्लॉयड हैं, कोई एज ए पायलट है, कोई एमी है, कोई कार्गो डिपार्टमेंट है, कोई इनके सी डिपार्टमेंट्स में है, और बहुत सारे कार्गो हो गया, रैम डिपार्टमेंट होगा, ग्राउंड हैंडलिंग होगा, ये सारे तरीकों से मिला करके लगभग 12,000 लोग स्पाइस जेट में काम करते हैं। बात करें इनके सैलरी की, तो बहुत अच्छी सैलरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा एडवांस सैलरी देते हैं, बट इनकी सैलरी में कोई कमी भी नहीं है, एवरेज सैलरी यहाँ आराम से पा सकते हैं। और अभी जब हम आगे बात करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि स्पाइस जेट में इंप्लॉयमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं आने वाले टाइम में, जो इनका करंट सिनेरियो बता रहा है। कैसे, अगर हम बात करते हैं इनके फ्लीट्स की, यानी कितने एयरक्राफ्ट ये फ्लाई कराते हैं, तो इनके पास टोटल 118 एयरक्राफ्ट हैं, 118 एयरक्राफ्ट जो ये करंटली फ्लाई कराते हैं। और इनके पास वेराइटी ऑफ एयरक्राफ्ट है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपने इंडिगो में देखा था सारे एयरबस हैं, विस्तारा में आपने देखा था दोनों का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर और ज़्यादा मिक्सर आपको देखने को मिलता है। यानी कि इनके 118 एयरक्राफ्टों में सबसे पहले आता है बोइंग 737-700, जो इनके पास 7 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं, और इनकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 149 है। लेकिन अगर ये अपना स्पाइस मैक्स के तहत अगर उसमें बिजनेस क्लास की ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं तो 134 सीटें यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा इनके पास बोइंग 737-800 भी है, ऐसे इनके पास 54 एयरक्राफ्ट हैं जो करंटली सर्विसेबल हैं, यानी सर्विस अपनी दे रहे हैं, और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है 186 की है, बट अगर स्पाइस मैक्स के तहत अगर ये बिजनेस क्लास देते हैं उसमें तो 168 की सीटिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। इसके अलावा इनके पास बोइंग 737-900ER एयरक्राफ्ट है, जो इनके पास ऐसे 4 एयरक्राफ्ट प्रेजेंटली अवेलेबल है, और ये बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी 212 है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास बोइंग 737 मैक्स है, ऐसे इनके पास 13 एयरक्राफ्ट हैं, और इन्होंने ऐसे ही 192 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर करेंटली दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बोइंग 737 मैक्स जो अभी आप कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में भी था, ये ग्राउंडेड था लगभग 1.5 साल तक, लेकिन अभी इसको DGCA की परमिशन मिल गई है फ्लाई करने की, ठीक है। तो ऐसे इनको इनके पास 13 हैं और 192 का ऑर्डर है, ठीक है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 189 है। इसके अलावा इनके पास एयरबस की भी सीरीज़ हैं, एयरबस 320-200 है, इनके पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट हैं 180 सीटिंग कैपेसिटी के, एयरबस 330-900 भी एक है इनके पास, ये बड़ा जहाज है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी 371 है। इसके अलावा इनके पास बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट Q400 भी है, ऐसे 19 एयरक्राफ्ट इनके पास हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट, और ऐसे ही 15 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इन्होंने प्लेस कर रखा है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो
90 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। अब इसके अलावा अब हम बात करेंगे इनके कार्गो सर्विसेज की, कि कार्गो सर्विसेज में इन्होंने कौन कौन से एयरक्राफ्ट लगा रखे हैं। तो उसके लिए इन्होंने एयरबस 340-300 लिया है, एक इन्होंने सर्विस में रखा है और इसके लिए अभी कोई ऑर्डर नहीं है। बोइंग 737-700 जो है इन्होंने कार्गो फ्लीट में भी अपने शामिल किया है। ऐसे 3 एयरक्राफ्ट अभी सर्विस दे रहे हैं और 17 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पेंडिंग है। इसके अलावा बोइंग 737-800 भी इनके पास है और बॉम्बार्डियर Q400 जो कि अभी आपने पैसेंजर सीट कैपेसिटी उसमें भी देखा था, यहाँ पर भी इन्होंने अवेलेबल कराया है 3। ठीक है, तो इस तरह से इनके पास टोटल 118 की फ्लीट है। और अगर हम बात करें पेंडिंग ऑर्डर्स की, तो जितने इनके पास अवेलेबल हैं लगभग उसका मतलब मान लीजिए 1.5 गुना 225 एयरक्राफ्ट तो इनके ऑर्डर पेंडिंग है। ठीक है, और इन्होंने सब ऑर्डिनरी आप देख रहे हैं पार्ट्स भी अलग अलग खोल रखे हैं, स्पाइस एक्सप्रेस, स्पेस शटल। तो आने वाले टाइम में जो करंट सिनेरियो इनका बता रहा है, अगर सब कुछ बेहतरीन चलता रहा तो आने वाले टाइम में स्पाइस जेट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बाहर आ सकती है। हालांकि अगर हम बात करें पैसेंजर्स की, तो उसमें इंडिगो ने अपना काफ़ी दबदबा बनाया है, लेकिन अगर स्पाइस जेट कोशिश करे थोड़ा सा, तो पैसेंजर तो हैं इसके भी, ऐसा नहीं है कि पैसेंजर्स में कमी है, लेकिन ये थोड़ा सा कार्गो और स्पेस शटल यानी सी प्लेन्स के मामले में इंडिगो से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल सकता है, क्योंकि इसके सामने इंडिगो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम काफी ज्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं स्पाइसजेट से, इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो और भी अपने जीडीपी यानी कि अपने देश को भी ये काफी ज्यादा मजबूत कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से इंडियन एयरलाइन है। ठीक है, और ये हमारी कुछ जानकारी थी स्पाइसजेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।